श्रीनगर, बारामूला और पुंछ में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। तो जम्मू कश्मीर के लिए इस वक्त ये अहम खबर, जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और जो खबरें हैं उसके मुताबिक रिक्टर स्केल पर 4.9 तीव्रता दर्ज की गई है। श्रीनगर, बारामूला और पुंछ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारा रिपोर्टर सज्जाद। सज्जाद, क्या इस बारे में और मजीद इत्तलात हैं? भूकंप के इन झटकों से किस तरह के नुकसान की खबर है? ये झटके कब महसूस किए गए? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि करीब 7 बजे झटके महसूस किए। पहला झटका 6:58 पर हुआ और काफी शदीद झटका था। जो बच्चे हैं वो बाहर की तरफ भाग गए, बुजुर्ग लोग जो बाहर की तरफ भाग गए, तमाम लोग जो है अपने अपने सहनों की तरफ भाग गए कि बहुत काफी जोर के झटके थे। क्योंकि अभी बेशतर लोग जो है सोए हुए थे, वो अपने अपने बिस्तरों से जागे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कई मकान जो है, बारामूला की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहां पे क्रैक्स पड़ गए हैं। अभी तक क्योंकि पूरी तफसीलात हमारे पास नहीं है, हालांकि मैंने उड़ी भी बात की थी, लेकिन उड़ी से ये इतलात है कि उड़ी में कम इस जो झटके हैं महसूस किए गए हैं, कम सिरपंग के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन बारामूला, सोपोर और इस इलाके की अगर मैं बात करूं तो काफी जोर के झटके महसूस, और 3 झटके महसूस, 2 झटकों की जो तीव्रता थी, जो स्ट्रंग थी वो काफी थी, लेकिन तीसरा झटका हल्का सा महसूस किया गया और लोग चीखो पुकार करते हुए अपने सैनों की तरफ आ गए, अपनी जानें बचाने की तरफ आ गए। और उसके साथ ही एक बारिशों का सिलसिला, जैसे ही ये जलजले के झटके खत्म हो गए उसके साथ ही बारिशों का काफी जोर, तेज बारिशों का सिलसिला भी जारी हुआ। अभी तक हम इतला महसूल जो हमारे पास हो रही हैं उनके मुताबिक अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है या कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ है पूरे बारामूला जिले में। जी विशाल। सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.9 रही है। हालांकि इससे कुछ घरों में दरारें पड़ी हैं, कई जगहों पर इसका असर देखा गया है, लेकिन अभी फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर, बारामूला और पुंछ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मुनीश भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, पुंछ से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, पुंछ में इस भूकंप का असर कितना देखा गया? क्या कोई नुकसान की खबर आ रही है? भूकंप के झटके के दौरान या उसके आसपास लोगों का रिएक्शन कैसा था? पुंछ में जो है 2 झटके महसूस किए गए, एक 6:45 पर और एक 6:52 पर। झटके काफी तेज थे, लेकिन सुबह का समय था, अधिकतर तो लोग जो है सोए हुए थे और साथ में बारिश भी थी, इसलिए अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं मिल पाई है। लेकिन भूकंप से लोग काफी सहम गए थे, क्योंकि पुंछ में 2005 में एक जबरदस्त भूकंप हुआ था जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ था, और उसके बाद जब भी भूकंप के झटके आते हैं लोग डर जाते हैं। लेकिन आज सुबह का समय होने के कारण जो है अधिकतर लोग सोए हुए थे, जो कुछ लोग जो बच्चे स्कूल जाने वाले थे उन्होंने ये झटके महसूस किए, या उनके माता पिता जो उनको स्कूल छोड़ने जा रहे थे उनने झटके महसूस किए। लेकिन अभी तक नुकसान का कोई खबर नहीं है, क्योंकि बीच में बारिश भी हो रही है और अभी तक जो है कोई ऐसा खबर नहीं आ पाई है। जी मुनीश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक अच्छी खबर ये है कि कहीं से किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, और लेकिन लोगों में एक खौफ और एक घबराहट जरूर रही जब ये झटके महसूस किए गए। हालांकि वक्त ऐसा था कि ज़्यादातर लोग उस वक्त सो रहे थे, लेकिन जो लोग भी जग पाए और वो घरों से बाहर की तरफ दौड़े ताकि उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये खबर आपको हम दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, काफ़ी अहम खबर है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 4.9 रिकॉर्ड की गई है। श्रीनगर, बारामूला और पुंछ में झटके महसूस किए गए।